हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रिड। सो इस वीडियो में हम लोग अपने जेड 2020 के क्रैश कोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली जेड 2020 आने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली एक मंथ का टाइम है और 7 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट होना है। सो काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कब से स्टार्ट होगा। बेसिकली हम लोग हर ईयर स्टार्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग पे मेन फोकस रहता है, लेकिन बाकी हम लोग भी चीज़ें इस बार कवर करेंगे। सो जैसे फर्स्ट डिटेल लिखी हुई है कि मेन फोकस विल बी ऑन डिसीजन मेकिंग। और बेसिकली हम लोग क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग में कि जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, जब से जेड चल रहा है और जेड 2021 तक, हर एक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। किस तरह से आपको वो क्या क्या रूल याद रखने हैं, किस तरह से डाटा रीड करना है, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन जैसे मेकिंग में। और नए क्वेश्चन भी काफ़ी डिस्कशन करेंगे, उसके साथ साथ मेन फोकस जो रहेगा वो पास्ट ईयर क्वेश्चन पर भी रहेगा। और क्योंकि डिसीजन मेकिंग के बारे में एक ऐसी चीज़ चलती है कि डिसीजन मेकिंग तो सिर्फ गेस का वर्क है कि आपको थोड़ा सा एथिकल होना एंड ऑल, इस तरह की चीज़ें नहीं है। जब आप डाटा पूरा रीड करते हो और जब आप ऑप्शन रीड करते हो, वहां से किस तरह से एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन, तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, हर ईयर डिसीजन मेकिंग में हम लोगों की तरफ से ही मैक्सिमम स्कोर जाता है 99.98, 99.99 जो अप्रॉक्सीमेटली जा रहा है डिसीजन मेकिंग में। हर ईयर हम लोग की तरफ से हाईएस्ट स्कोर आते हैं, आई होप कि इस ईयर भी आए। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग 3 फुल लेंथ जेट मॉक देंगे, प्रोवाइड करेंगे, जिनका कंप्लीट डिस्कशन होगा। और 2015 से 2020 तक जितने भी पास्ट ईयर के पेपर हैं उनका QA और VA भी डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरह से अप्रोच करना है QA सेक्शन में, किस तरह से अप्रोच करना है VA सेक्शन में, और जो करंट फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग ये मॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 2015 से वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होंगे, जब आप कोर्स बाय करोगे तो 2015 से 2020 तक, एंड यू विल गेट शेड्यूल ऑफ दैट ऑल्सो कि इस दिन पे ये वाला डिस्कशन है और ये शेड्यूल आपको है और इस तरह से आपको देना, इस दिन पे देना इसका डिस्कशन है। सेम फॉर डिसीजन मेकिंग ऑल्सो कि यू विल गेट शेड्यूल और उसको मॉक देना होगा, देन उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे कि कहाँ कहाँ आप इंप्रूवमेंट कर सकते थे, कहाँ पे गलत ऑप्शन पिक करें, किस तरह के ऑप्शन आपको पिक करने हैं। ठीक है ना, वो डिसीजन मेकिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम वेरी बेसिक्स, जो भी बेसिक उसका पॉइंट होता है हम लोग वहां से कवर करेंगे। उसके साथ साथ कोर्स स्टार्टिंग डेट 7 दिसंबर है, अभी IFT पे फोकस कर रहे हैं, IFT के बाद डिसीजन मेकिंग का स्टार्ट होगा और वहीं हम लोग वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। और एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन लाइव सेशंस, नो प्री रिकॉर्डेड वीडियो विल बी प्रोवाइडेड, लाइव सेशंस होंगे सबके, है ना, जितने भी डिसीजन मेकिंग होगा या जो VA के लिए सेशन होंगे जो आपका मॉक्स डिस्कशन किए जाएंगे या QA के लिए मॉक डिस्कशन किए जाएंगे, कुछ टॉपिक QA में रिवीजन होंगे जैसे नंबर सिस्टम हो गया, अगर आपने कैट की प्रिपरेशन करी हुई है तो दोज रिवीजन सेशंस विल बी इफेक्टिव फॉर यू। जैसे कुछ टॉपिक नंबर सिस्टम में या ग्राफ्स के हो गए, जो मतलब बेस सिस्टम हो गया, जैसे जो फेवरेट टॉपिक है जेड के लिए, तो उनका भी रिवीजन होगा, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। और ऑलमोस्ट पूरी क्वांट का ही रिवीजन होगा, लेकिन जो मेजर टॉपिक इसके हैं जेड के, उन पर हम लोग अलग से फोकस रखेंगे। लेकिन ये कोर्स जो है वो बल्क यही हम लोग का फोकस रहेगा कि डिसीजन मेकिंग को हम लोग जितना बेटर वे में आपको करा पाए उतना करा पाए, क्योंकि जेड के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि काफी चीजें चेंज होती हैं। अगर आपका कैट खराब भी हुआ है तो अगर आप कोई भी आपका फ्रेंड हो या जानने वाला हो तो आप पूछना कितने स्टूडेंट ऐसे जेड में एक्सेलराई ज्वाइन कर रहे होते हैं जिनका कैट खराब हो गया होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग काफी चीजें चेंज कर देती है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, काफी स्कोर अच्छा बच्चे कर लेते हैं, 99+, 99.5+, काफी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये डिसीजन मेकिंग का, अगर आपको सही तरह से आपने गाइडेंस मिली और सही तरह से पढ़ा हुआ है, रैंडम नहीं पढ़ा हुआ है, सिर्फ ऐसा नहीं कि एथिकल है इसको तो पढ़ाया नहीं जा सकता या पढ़ा नहीं जा सकता, इस माइंड सेटअप से थोड़ा सा निकलना होगा तभी आपकी डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकेस आपको एनरोलमेंट कराना हो तो आप वेबसाइट से एनरोल करा सकते हो, 7 दिसंबर से स्टार्ट होगा, और जब वेबसाइट पे एनरोल करा लोगे उसके बाद वी विल कॉन्टेक्ट यू इन 2 to 3 डेज, जहां पे आपको उसके बाद एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं, थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं क्लासेस में, थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।